अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम पहुंच चुके हैं फूड हॉर्न पे। अच्छा, पहले तो आपका भाई जो है वो इसका मतलब सोचता रहा, आधा घंटा बाहर खड़ा होकर इसका जो मोनोग्राम है उसको देखता रहा है कि यार ये इसके नाम का मतलब क्या हो सकता है। फूड का मतलब तो समझ आता है, लेकिन सिंगों वाला फूड जो है उसका मतलब नहीं समझ आ रहा था। लिहाजा चले आप अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। सेटिंग तो इन्होंने जो है वो बहुत अच्छी की हुई है। इनके पास जो है वो बारबेक्यू चल रहा है यहाँ पे। अभी आपका भाई जो है यहाँ पे कुछ ट्राई करेगा और आपको दिखाएगा और आपको बताएगा कि इनका टेस्ट कैसा है और इनका जो है वो खाना कैसा है। ये हमारे भाई खड़े हुए हैं इधर फूड हॉर्न वाले। ये देखें यार, ये आपके नाम का मतलब क्या है, फूड हॉर्न का मतलब क्या है? सिंगों वाला खाना कौन सा होता है? सॉरी, सिंगों वाला खाना। फूड हॉर्न का मतलब है खाने के सिंग निकले हुए हैं। खाने के सिंग नहीं निकले हुए यार, मतलब वो साथ आपने सिंग तो बनाए हुए हैं यार। फूड का बादशाह तो नहीं हो सकता यार, ये तो सींग निकले हुए हैं। चलें जी आए ट्राई करते हैं इनका। जो व्यू मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये देखें आप माशाल्लाह। इनके पास सेपरेट सीटिंग जो है वो भी अवेलेबल है। अगर आपने यहाँ पे सेपरेट आके खाना है बैठ के फैमिली के साथ, अगर आपने ओपन एयर आके खाना है तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो अभी जो है इनका देखते हैं इन्होंने क्या मेन्यू रखा हुआ है अपना। अभी जो है हम पहुँच चुके हैं फूड हॉर्न पे। आप हमारे पीछे व्यू देख रहे होंगे, माशाल्लाह सेटिंग जो है इन्होंने बहुत प्यारी की हुई है, सेटिंग इनकी बहुत अच्छी है। तो अभी इनका खाना जो है वो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनके पास खाने में क्या क्या अवेलेबल है और हम क्या खाने वाले हैं और आपको क्या दिखाने वाले हैं, इसकी हमें अभी खुद भी समझ नहीं आ रही है। तो अभी हम पहुंच तो चुके हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि हम क्या ट्राई करते हैं। इंशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं वीडियो में। ये जी अभी सीजी जो है वो ऑर्डर कर दी है, अभी ट्राई करने लगे हैं सीजी यहाँ की। तो देखते हैं अभी जो है वो इसकी जायका जो है, टेस्ट जो है वो कैसे का होता है। अल्लाह ख्याल रखे, अभी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे भाई जो हैं फाद भाई हमारे साथ ही आए हुए हैं। ये हर जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे खाने पीने वाला काम होता है। इंशाल्लाह गजब बेइज्जती है। अभी एक अन्नी डालेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं अभी जी साथ हैं हमारे माशाल्लाह। इनको यहाँ पे 28 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो अभी जो है ये इसको इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हैं मजीद जो है। पहले इन्होंने इसको मैरिनेशन करके रखी हुई थी, लेकिन अब जो है इसके ऊपर और मजीद जो है ये अपने सीक्रेट जो है वो मसाले लगा रहे हैं। देखें जी ये देखें जी, आपने वो सीख के ऊपर टंगी हुई सब्जी तो खाई होगी, लेकिन ये अभी आप जो ग्रिल सब्जी है, जो ग्रिल हुई सब्जी है वो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं। मैं तो पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ अभी। वैसे तो जो आप सब्जी खाने जाते हैं उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि कुकर के ऊपर सीख लगाई होती है, उन्होंने कुकर के अंदर सीख दी होती है और उसको कोयलों के ऊपर रखा होता है पूरे कुकर को। तो इन्होंने जो है उसको अंदर से सेंटर से जो है उसको ओपन कर लिया है और इसको जो है अभी मसाला लगा के, मसाला पहले भी मैरिनेशन हुआ था, मजीद जो है मसाला लगाया है उसके ऊपर जो है ये, उसके बाद जो है ये इसके अंदर ग्रिल के अंदर, ग्रिल पैन के अंदर, ग्रिल के अंदर इन्होंने इसको रख दिया है। कि हमारा कुकर जो है वो आ चुका है इसके ऊपर, ग्रिल के ऊपर, और इसको जो है कोयलों के ऊपर उस्ताद ने रख दिया है। अभी उस्ताद कह रहा है कि आप अब आधा घंटा जो है वो वेट करें, इसको जो है हम हल्की आग पे जो है वो इसको पकाएंगे हम। उस्ताद उन्होंने हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये प्लेटर लगा दिया है, एक हाफ प्लेटर जो है उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया है कि जी आप ये पैक करवा के घर लेके जाएं और जाके इसको इंजॉय करें अपने मील को। ये भी हम पैक करवाएंगे और ये हम इधर ही खाएंगे, ठीक है जी। ये इसमें हाफ प्लेटर में जो है 2 कबाब हैं, इसमें ग्रीन टिक्का होता है इनका, मलाई मलाई बोटी होती है, ये चिकन लेग पीस होते हैं जो ग्रिल किए हुए। प्लेटर जो है वो रेडी हो चुका है, आप इसकी लुक चेक करें। 3 किस्म की जो है इसके साथ सॉसेज देते हैं। ये इनका ग्रिल सैलेड है, ठीक है। ये जो है अब इसकी लुक चेक करें,
बेहतरीन जिसको कहते हैं ना प्लेटर, वो तैयार हो गया है। अभी इसको हम पैक करवा रहे हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है वो हमने इसको प्लेट में लगवाया था, तो अभी जो है हम इसको पैक करवा रहे हैं। घर जाके हम खाएंगे, बच्चों के लिए लेके जाऊंगा, तो सिज्जी जो है वो अभी इधर खाएंगे हम। बहुत तेज हो रहा है। ये जी ऊपर मसाला आ गया है और खास किस्म का। अभी मेरा मुंह जो है वो वाटर वाटर हो गया, मेरा मतलब मुंह में पानी आ गया अभी, तो बस अभी इंतज़ार नहीं हो रहा है कि सिज्जी जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए। अभी कलर आप चेक करें इसका, ये रेड रेड होना शुरू हो गई है, तो मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं अभी इधर से पकड़ के जो है वो खाना शुरू कर दूँ इस पर, जितना ये लुक इसकी अच्छी लग रही है। ये जो है सैलेड तैयार हो रहा है हमारा। ये जी सजी मारी जो है वो रेडी हो चुकी है। आए 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 मजे, आए 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 आए। और ये राइस के ऊपर जो है वो भी आ चुकी है। इसके साथ जो है इसके साथ भी तीन किस्म की जो है सॉसेज जो है वो अवेलेबल होती हैं इनकी। ये जो है हमारा सैलेड रेडी हुआ था, ये वो सैलेड भी आ गया। माशाल्लाह जी, मेरा तो मुँह जो है वो पानी पानी हो गया हुआ है। तो कहते हैं ना शर्म से पानी पानी हो गया, यहाँ तो मुंह पानी पानी हो गया। सैलेड ये चेक करें, फ्रेश सैलेड भी साथ आ गया, इसके ऊपर लेमन आ गए हैं, ऊपर जो है वो ना धनिया डाल दिया है, और अभी हमारा जो है सब्जी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। जी तो सब्जी जो है वो हमारी अब रेडी हो गया, हमारे आगे आ चुकी है। अभी हम जो है इसको स्टार्ट करने लगे हैं खाना, तो अभी जो है मैं आपको टेस्ट करके जो है वो उसकी इसका रिव्यू देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। तो अभी जो है वो राइस हमने डालनी है थोड़े साथ, आप ये चेक करें जो हमारी अभी पूरी टांग है वो आने लगी है। टू मच हॉट, और अभी जो हम थोड़ा सैलेड डाल लेते हैं इसके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही जो है वो गर्म है फिलहाल तो। इसके साथ जो है हम थोड़े राइस लगाएंगे, थोड़ा सा सैलेड लगाएंगे। भाई बहुत ही मज़ेदार और पूरी मैरिनेटेड और फुल मज़े की है। भाई फुल इंजॉय है। अब यहाँ पे आए, आप यहाँ पे ऑर्डर करें, सिज्जी भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप ऑर्डर करें, और टेस्ट जो है वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी जो है वो हम इसको खा रहे हैं और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही आउट क्लास है, फुली मैरिनेटेड है। वो जो हम आम सिज्जी आपने खाई होगी वो तो होती है कि उसके अंदर जो है वो अंदर से एक तो खुश्क होता है और दूसरा जो है उसके अंदर मसाला जो है वो नहीं गया होता है। अब ये देखें इसके अंदर तक जो है वो फुल जो है वो फुल ऑन मसाला जो है वो इन्होंने इसके अंदर जो है वो डाला हुआ है। ये देखें अंदर तक जो है वो इसके मसाला गया हुआ है जी। अभी जो है अन्नी उन्नी डाल के जो है वो हम फारिग हो चुके हैं। ये देखें अब ये भाई जो है ये जानवरों की तरह खाते हैं। अब देखें ज़रा शक्ल इनकी, खाने के बाद भी देखें शक्ल, माशाल्लाह अल्लाह ने नूर ही नूर छोड़ा हुआ है। तो अभी जो है हम खाना खा के फारिग हो चुके हैं, और इनका जो टेस्ट का मैं आपको बता दूं कि अगर इनको टेस्ट में से नंबर देने पड़े हैं कि यार 10 में से कितने नंबर देंगे, तो मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा इनको। और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही आउट क्लास है, वेल मैरिनेटेड, अच्छे तरीके से मसाले लगे हुए जो है वो इन्होंने सिज्जी में खिलाई है, और बहुत ही हमने इसको इंजॉय किया है। और ना ना करते भी जो है ना हम माशाल्लाह पूरी सिज्जी खा गए हैं। दो बंदे थे हम, तो हम जो है वो गुजरांवाला के पहलवानों के जो होने का सबूत दिया हमने, और हम जो है वो पूरी सिज्जी खा चुके हैं।
जो है वो भाई ने हमारा टेबल चेंज कर दिया है। भाई कह रहे हैं आप बैठे हैं, आपको आइसक्रीम जो है वो हम सर्व करने लगे हैं। तो अभी हमारी जो है वो आइसक्रीम आ रही है, तो भी उसको भी टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो कैसे की है। फात भाई तो जो है वो खुशी से निडाल हो गए थे, अभी मैंने इनको होश कराई है बड़ी मुश्किल से। ये कहते थे यार आइसक्रीम आ रही है, अभी गिरने लगा था यहाँ पे। आइसक्रीम जो है वो हमारी अभी आ चुकी है, तो फात भाई जो है वो खुश हो गए हैं। ये देखें ज़रा माशाल्लाह, खुशी देखें आप इनके चेहरे पे। और एक एक नज़र जो आइसक्रीम को देख रहे हैं, एक नज़र जो है वो ये आहो जी। तो अब हम जो है वापसी के लिए निकल रहे हैं, और मैं आपको इनकी जो है वो लोकेशन शेयर कर दूँ। ये फजल सेंटर में है फूड हॉल, इनका खाना बहुत अच्छा है। इनका बाकी चीज़ें जो है वो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी होंगी। फ़िलहाल जो है वो मैंने तो सीजी ट्राई की है और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही वेल मैरिनेटेड इनकी जो सीजी थी वो बिल्कुल वेल मैरिनेटेड थी। अच्छे तरीके से जो है उसके अंदर मसाले लगे हुए थे और स्पाइसी थी, और जैसा मैं लाइक करता हूँ बिल्कुल वैसी थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका भाई आपसे इजाज़त चाहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके भाई का जो है मोराल बुलंद हो और आपके लिए नई से नई चीज जो है वो आपका भाई लाता रहे। जज़ाकअल्लाह। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए इतना झिला।